नमस्कार सभी मेरे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसी टेक्निक के ऊपर कि हम किसी एक प्लैनेट को लेके अगर उसको से हमें प्रेडिक्ट करना हो, तो जैसे कि हमारे कोई भी ग्रह हैं उसको हम साइन में, किस साइन में है या किस भाव के अंदर है, उसको अगर हम मर्ज करके अगर रिजल्ट निकालना चाहें तो उसको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, हम इस चीज़ पे आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि गुरु हैं वो हमारे बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, नारी ज्योतिष के अंदर तो वो जीव कारक बोले गए हैं, मतलब कि वहाँ जो जहाँ पर हैं जुपिटर बैठे हैं वहीं से जो स्टार्ट होती है कुंडली, वहीं से जीव का प्रवेश होता है और वहाँ से आगे की जर्नी स्टार्ट होती है नारी ज्योतिष के साथ। हमारे जो वैदिक के अंदर जो प्रासरा हम बोलते हैं उसके अंदर मतलब कि स्त्री जातक के लिए जो गुरु हैं वो पति के कारक बोले गए, कई क्लासेस में जिक्र है इसका। और जो कि आकाश तत्व हैं सबको मालूम है, ऑक्सीजन के कारक जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है, तो वो जुपिटर जो है देवगुरु हैं जो, और हमारे जन्म पत्री के अंदर वो हमारे वेल्थ के, बच्चों के, धर्म के, भाग्य के, हमारी इच्छा पूर्ति के, मतलब इन सब भावों के ऊपर कंट्रोल है उनका, सिग्निफिकेटर है वो कार्य तत्व इनका सब भावों के। और स्त्री जातक के अंदर वो सेवंथ हाउस के भी हैं, रिलेशनशिप के, पति आकार के, तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं हमारे जुपिटर। एक जुपिटर की क्वालिटी है कि वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ के कारण है धीरे धीरे बढ़ना। और जो है कि दूसरा वो जो है ज्ञान है, ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, उनको हर चीज की नॉलेज है जहां वो होते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जहां पर हम जुपिटर की बात करते हैं, एक तो जो हमारे ज्ञान की, विजडम की, और एक हमारे ग्रोथ की। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जुपिटर जो है जैसे फाइनेंस है, चिल्ड्रंस हैं, या भाग्यस्थान है, या हमारा इच्छा पूर्ति का भाव, वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नौवें घर के तो वो स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि है वहां की, जो हमारे धर्म को, हमारे DNA को, हमारे फादर को, हमारे भाग्य को, मतलब कुल मिला के अगर हम भारत का भाग्य नहीं है, हमारी पहचान कहाँ से, हमारे DNA से है, हम कहाँ पैदा हुए हैं, किस धर्म में हैं, वो सब 9th हाउस। हमारी इच्छाएं हैं उसकी जो पूर्ति है किस तरीके से होगी नहीं होगी तो 11th हाउस हमारी इच्छाएं। तो इस प्रकार से जो है कि जुपिटर काफी महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए। अगर किसी की जन्म पत्री में अकेला अगर गुरु अगर पीड़ित है या काफी खराब रहते हैं तो बहुत चीजों को नुकसान करते हैं। तो इसीलिए आज जो है कि इसी पे जिक्र करेंगे, बाद में साइंस को भी लेंगे, पहले भी कुछ महत्वपूर्ण जो प्लेसमेंट्स हैं जुपिटर की उसको ले लेते हैं। जैसे कि सभी को मालूम है कि जुपिटर जो है कि हमारे 4th हाउस में नेचुरल जोडियाक की बात कर रहा हूँ मैं, जो कार्ल पोस्ट कुंडली में बोलता हूँ हमेशा, मेष लग्न से चालू होती है, वहाँ पर 4th घर के मालिक जो है कि चंद्रमा कर्क राशि है, वहाँ कर्क राशि होती है, और कर्क राशि के अंदर जो है कि हमारे गुरु जी उच्च के होते हैं, और कर्क राशि रिप्रेजेंट करती है हमारे प्योर लव को, हमारा जो पवित्र प्यार जिसको हम बोल सकते हैं, जो ममताई प्यार जो माता ही बच्चे के प्रति होता है, क्योंकि वो 4th हाउस हमारी माता जी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे होमलैंड को रिप्रेजेंट करता है, भूमि को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति इन सब चीज़ों से बहुत प्यार करता है, प्रॉपर्टी से, होमलैंड से, और उसको उस
चीज के बारे में वहां पर जो है इस चीजों का बहुत ज्ञान होता है, बहुत ज्ञान मिलता है। गुरु वहां बहुत ज्ञान देते हैं इन चीजों के बारे में, बहुत प्यार से जैसे माँ अपने बच्चे को समझाती हैं, तो हर चीज का ज्ञान होता है उनके पास, बहुत पवित्रता भरे वो संस्कार होते हैं जातक के अंदर, फोर्थ हाउस के अंदर है। और जो कि गुरु ग्रोथ का कारक है यानी कि जो एक्सपेंड करता है, तो धीरे धीरे वो जो उनकी जो कंफर्ट लाइफ है वो काफी बड़ी धीरे धीरे बढ़ती है। और गुरु जो विशालता के कारक है तो उनका जो घर होगा वो भी विशाल क्षेत्र के अंदर हो सकता है अगर उसमें कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। सीधा सीधा आप ये मतलब लगा लेते हैं कई लोग कि भी जैसे मैंने बताया गुरु फोर्थ हाउस में ये चीजें हैं, वो सीधा बोलते हैं सर मेरे जन्म पत्री के अंदर ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उन पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होता है जो फलित के अंदर अगर शुभ प्रभाव है तो और ज्यादा बढ़ जाते हैं फल, अगर कहीं पाप प्रभाव है जैसे आपके जन्म पत्र के फंक्शन में बेनिफिक है उनका प्रभाव है तो थोड़ा बहुत कम हो जाएंगे, फंक्शनल जो है कि बेनिफिक है तो ज्यादा हो जाएंगे। इसी प्रकार से नेचुरल मैलिफिक और बेनिफिक है उनका भी ध्यान रखा जाता है, तो इन चीजों को ध्यान देना रखें। लेकिन यहाँ पर जो है गुरु जो है कि काफी अच्छे फल देता है, बड़ा आपका मकान हो सकता है, आपका ज्ञान बहुत होगा वहां पर उस अपने होमलैंड के बारे में, जानने की बहुत इच्छा होगी होमलैंड के बारे में। यहाँ पर यह कि गुरु जो जहाँ जैसा कि पहले भी जिक्र मैंने कहीं किया है कि गुरु जहाँ बैठता है वहां का थोड़ा सा नाश करता है यानी कि नुकसान करता है वहां का। एक मैंने गुरु पे वीडियो भी बनाई है इसके लिए कि जहां गुरु बैठते हैं कि वहां का जो नुकसान करता है। अगर इस हिसाब से देखें तो मतलब कि जातक के पास सब कुछ हो सकता है परंतु वो उनका उपभोग ना कर पाए, जैसे कि वो घर से बाहर रहे, जब वो कहीं काम के सिलसिले में रहे, अर्निंग के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रैवलिंग में रहे, मतलब वो घर से बाहर ज़्यादा समय बिताए, इस तरीके के जातक के प्रभाव दे सकता है छुपी टक जो कि अगर वो फोर्थ हाउस के अंदर है। इसको आप कैंसर साइन के अंदर भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि साइन के बारे में बात करेंगे, कैंसर साइन जो है उसके अंदर अगर आपका जो पूजा है क्योंकि वो वहां पर उच्च हो जाता है। तो अब जुपिटर की ये प्लेसमेंट होगी, अब अगर इससे बिल्कुल विपरीत जाए तो विपरीत में जो है कि सेवंथ साइन से जो कि कर्क से जो कि हमारा मकर है कैप्रिकॉन, वहां जुपिटर आके नीच के हो जाते हैं। वहां ऐसी जगह है जहां पर जुपिटर रहना पसंद नहीं करते या अपने आप को अच्छा फील नहीं करते हैं। उसकी एक वजह है कि वो ज्ञान के कारक हैं और ज्ञान मेहनत की जगह पे वो कर्म स्थान है हमारा, वहां पर हमें मेहनत करनी है और मेहनत वाली जगह पे आप गुरु जी को खड़ा कर दो तो परेशान तो होना स्वाभाविक है। परंतु ऐसा व्यक्ति को अपने कर्म स्थल के बारे में पूरा ज्ञान होगा, कैसे वहां पर बिहेव करना है, कैसे वहां पर रहना है, कैसे वहां पर ट्रीट करना है, वो सब नॉलेज जो है ऐसे गुरु वाले के पास होती है जो टेंथ हाउस के अंदर हो, गुरु ज्ञान का ज्ञानवान है। ऐसा बंदा अपने कार्य क्षेत्र पर अपने ज्ञान को बांटे तो ज्यादा बांटते हैं तकरीबन देखा है मैंने। और अगर वो ऐसे क्योंकि ऐसा टीचर क्योंकि नाइन्थ हाउस से अगला टेंथ हाउस है, नाइन्थ हाउस का सेकंड हाउस है, तो वहाँ पर नाइन्थ हाउस हमारे ज्ञान का है, सेकंड हाउस जो है कि हमारे जैसे हमारे आप कह सकते हैं कि लगन से सेकंड हाउस हमारे बोलचाल का है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप अगर अपना ज्ञान बांट रहे हैं तो वो वहाँ पर हो सकता है कि टीचर के जॉब पे हों या बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी का टेंथ हाउस के अंदर जुपिटर है या मकर के अंदर जुपिटर है उनको मेहनत करना है, मेहनत करना में गुरु जी के पास ज्ञान है, तो अगर तो वो मकर में नहीं है पाइसिस में है तो वो आश्रम में बैठे हैं भगवान से लीन है, अपना अध्यात्मक में इंसोलेशन में अपना मेडिटेशन में टाइम पास है, टाइम पास नहीं कहूँगा सॉरी मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए आप कह सकते हैं ध्यान मगन है,
लेकिन अगर वो कैप्रिकॉन में आ गया तो उनको उस ज्ञान को बांटना है, उस ज्ञान के लिए को प्रचारित करना है, आपको सिखाना है, टीचिंग करनी है। जरूरी नहीं कि आप ओकल्ट की टीचिंग कर रहे हैं आप वहां पर, जो कि जैसे हम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप जिस भी क्षेत्र के अंदर है वहां पे आप ट्रेनर हो सकते हैं। आप इस तरीके से ले सकते हैं जुपिटर को कैप्रिकॉन के अंदर या मकर राशि के अंदर, क्योंकि आप खेलों में तो आगे जाके आप ट्रेनर हो सकते हैं। वहां पर खिलाड़ी भले ही आप अच्छे ना रहे हो, लेकिन ट्रेनर बहुत अच्छे होंगे। इसी प्रकार से देखा गया है कि बहुत से हैं लोग जो हैं कि जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते थे वहां पर ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन जब वो किसी को ट्रेन करते हैं उस चीज को, तो उनकी कमियां उनको मालूम होती है कि यहाँ पर वो पूरा ज्ञान होता है इस चीज का कि कहाँ कमी रह गई थी, जो कि मैं वहां नहीं पहुंच पाया या वो बंदा वहां नहीं पहुंच पाया, तो उसके अंदर वो कमी नहीं छोड़ते, तो उसको वहां तक पहुंचा सकते। इतने अच्छे हो जो मतलब कि ट्रेनर हो सकते हैं वो अपने वर्क प्लेस पे, तो वो टीचर भी हो सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको जुपिटर, क्योंकि धीरे धीरे उनका जो ये सिखाने का तरीका ये कि ग्रोथ करेगा वहां पर और अच्छे होते चले जाएंगे वो उस जगह पे। अगर आपका वर्क प्लेस है 10th हाउस है, तो वहां का जो आप बिजनेस है या आपने जो भी है जहां पर आप खोल रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं किसी को, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां आप सिखा रहे हैं किसी को, कोचिंग सेंटर में पढ़ना सिखा रहे हैं, वहां पर आप टीचर हैं किसी को, कुछ अध्यात्म मान लो आप जो है कि गुरु हैं अपना धर्म गुरु, धर्म देव सिखा रहे हैं किसी को, उसके बारे में प्रचार कर रहे हैं बता रहे हैं। अब जरूरी नहीं, अगर टेक्निकली कोई ग्रह उनको देख रहे हैं गुरु को, तो हो सकता है कोई टेक्निकली लाइन के अंदर आप जो है कि ट्रेनर हो। सिर्फ गुरु बोला तो ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के लिए गुरु, वो हर चीज के लिए गुरु है। फिर तो वहां पर जो है कि वो बहुत कामयाब होने वाले हैं, धीरे धीरे ग्रोथ मिलने वाली है उनको। तो इस प्रकार से जो है गुरु के फल आप देख सकते हैं, मकर राशि के अंदर गुरु स्थिति को देख सकते हैं। तो अब जो है कि अपना लगन में चलते हैं, क्योंकि लगन के अंदर जो भी हमारे जुपिटर को, हमारे गुरु को, देव गुरु बृहस्पति को दिग्बल प्राप्त होता है। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा हो गया, अगर आपके लगन में गुरु बैठे हुए हैं तो 10,000 दोषों को विनाश कर देते हैं, अगर मैं ठीक हूं तो। अगर गलत हो तो करेक्ट कर दीजिए अगर को, इस तरीके के वहां पर देखो लिखा हुआ मिलता है। और लाल किताब के अंदर भी बोलते हैं कि बहुत ज्ञानी होते हैं, या तो लाल किताब वाले तकरीबन आप जाओगे तो अगर लगन में जुपिटर देखा तो बोले आप पढ़े लिखे कितने हो, अगर पढ़े लिखे हो तो उस लाइन में जाओगे, नहीं तो फिर भी समझता हो। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपके लगन के अंदर जुपिटर है, लगन क्या है आप खुद हो, और लगन को आपने स्वयं माना, लेकिन अगर हम बॉडी पार्ट्स पे जाएं, जैसे कि हमारा जो है कि 1st हाउस हमारे सर को रिप्रेजेंट करता है, माइंड को रिप्रेजेंट करता है, 2nd हाउस हमारे माउथ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बोलने को रिप्रेजेंट करता है, 3rd हाउस हमारे गले को, हमारे शोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस तरीके से जाएं तो हमारे 1st हाउस पर जो हमारा माइंड, हमारे सर का आधिपत्य है, वहां जुपिटर है, वो ज्ञान के कारक हैं। तो ज्ञान के कारक कहाँ बैठे हैं, आपके सर पे बैठे हुए हैं, सर के अंदर बैठे हुए हैं। तो मतलब ज्ञान बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं आप पढ़े लिखे कम हो सकते हैं, हो सकता है कि 5th हाउस पे रिफ्लेक्शन ज्यादा हो, 4th हाउस पे रिफ्लेक्शन ज्यादा हो, बुरा प्रभाव ज्यादा है, तो आप लिखा पढ़ी वाली पढ़ाई नहीं कर पाए। एक कहावत है कि भाई जो लिखा पढ़ा है, लिखा है और पढ़ा है और कढ़ा है, पढ़ा और कढ़ा, मतलब इसके अंदर के पढ़ा मतलब पढ़ा लिखा, और कढ़ा मतलब जो दुनियादारी से निकला हुआ है। तो उस तरीके से जो है कि वो जो दुनियादारी की सारी समझ उस व्यक्ति को होती है जिनके जो कि जुपिटर गुरु देव गुरु बृहस्पति लगन के अंदर होते हैं, उन्हें हर चीज का ज्ञान है, इसीलिए उनको शायद वहां पर दिग्बल प्राप्त होता है, वो बलि हो जाते हैं वहां पर और काफी दोषों का नाश कर देते हैं आपके जन्म पत्री के अंदर। तो गुरु को जो है कि लगन के अंदर है या मेष राशि के अंदर है। अब मेष राशि के अंदर आप बोले तो लगन के अंदर अगर आपने बोला है जो है इस नेचुरल जगह से, वो दिग्बल तो प्राप्त हुआ, मित्र राशि में भी है, परंतु वहां पर थोड़ा फास्ट काम करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, थोड़ा सा असहज महसूस जरूर करते हैं जुपिटर, क्योंकि उनको एक वृद्ध आदमी है, उनका तुम फास्ट तरीके से काम कराने आता, तो ऐसे जुपिटर के अंदर आपको गुस्सा भी देखने को मिल सकता है
कि अगर जो उनको आप बार 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 बोल रहे हो कि ये काम तो बस तेजी से करो, जैसे मान लो कि पाठ्यक्रम है, आप टीचिंग लाइन के अंदर हो और आपको जो कि प्रिंसिपल या कोई और आके आगे से या मतलब मंत्री वगैरह की बाहर ऐसा है, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, अब कोरोना के बाद जैसे मान लीजिए स्कूल खुलते हैं और आप टीचर को आगे बोले कि यार फटाफट जो है कि सिलेबस खत्म करो, जो जो इनका मेस का जो गुरु होगा फटाफट कराएंगे, तो फिर अगर उसने दो चार बार बोला गया तो वो आए कैसे जाएंगे वहां पर। और इसी प्रकार से वो स्टूडेंट अगर उनको बात नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है, तो वो झगड़ा जाते हैं। तो इस तरीके का थोड़ा गुस्सा तो उनके अंदर होता है, लेकिन बहुत अच्छा भी लग देते हैं, उनकी जो लगन के अंदर है या मेष राशि के अंदर है। इस तरीके से आप जो है मर्ज कर सकते हो राशि, भाव और अपना प्लैनेट। उच्च की बात हो गई, नीच की बात हो गई, दिग्बल की बात हो गई, तो अब आ जाते हैं कि जो मरण क्रम स्थान। तो मरण क्रम स्थान क्या होता है, पहली बात तो ये कि तो इसके लिए एक वीडियो है मेरे ही यूट्यूब पे, ग्रहों का मरण क्रम स्थान, मरण क्रम स्थान और प्लैनेट्स ऐसे भी हो सकता है, काफी पहले बनाई थी, स्टार्टिंग में बनाई थी, मतलब मार्च अप्रैल की वीडियो है वो, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो मरण क्रम स्थान होता है जहां पर प्लैनेट अपना जो है पूरा रिजल्ट नहीं दे पाता, यानी वहां असहज महसूस करता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है, मतलब जैसे हम किसी को बोलते हैं कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आप तो हमारा जो है कि मर ही गए हैं कार्य करते हुए, यानी कि मरने जैसा फील करना, बहुत कठिनाई में फील करना वहां पर। ऐसे स्थान पर अगर किसी बंदे को, जैसे कि आपका जो है थर्ड हाउस जो है वो आपके एफर्ट का है, आपको एफर्ट टेरेस है आपका, जहां कारक मार्स है, जितना एनर्जेटिक प्लैनेट है, वहां आप देवगुरु बृहस्पति को जो है कि ज्ञानवान है, वहां पर ज्ञान का तो कोई काम ही नहीं है, जो मतलब कि आपको स्किल्स दिखाने अपने, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे हाथों को, हमारे शोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको हाथों का स्किल दिखाना है, गले को रिप्रेजेंट करता है, सिंगिंग है, राइटिंग है, तो इस प्रकार के जो स्किल्स है हमारे, जो उनकी राशि है, हमारे हॉबीज की राशि है, और जो गुरु जी होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हों या वैसे गुरु हों, वहां पर वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि एक तो वहां पर एफर्ट्स लगाने हैं, तो गुरु ज्ञान है उनके पास, तो कहते हैं यार इतना ज्ञान होने का फायदा क्या है, जो कि मेरे को खुद काम करना पड़े, खुद बोलना पड़े, हमें कुछ ये चीजें करनी पड़े, तो वो इस चीज को फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता उनको। तो वहां पर गुरु थोड़ा, हाँ अगर अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, क्योंकि गुरु को भाषण देना अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन जो है कि थर्ड हाउस का कारक है। यात्राएं छोटी, उनकी पूरी नॉलेज होगी, कम्युनिकेशन की पूरी नॉलेज होगी, अपने भाइयों के बारे में पूरी नॉलेज होगी, पड़ोसियों के बारे में पूरी नॉलेज होगी उनको, आस पास के जो हमारे अगर जो नेशंस कह सकता हूँ मैं, उनके बारे में पूरी नॉलेज होगी ऐसे जातकों, और ऐसे जातक जो है ना बिन बुलाए ज्ञान देने वाले होते हैं, धर्म के बारे में ज्ञान देना, और पड़ोसियों को धर्म के बारे में ज्ञान देना, और तीसरा हो जो हमारी फाइटिंग का एफर्ट्स का मार्क वहां का कारक है, पहले बोला मैंने मरकरी की राशि है थर्ड हाउस मिथुन, तो कम्युनिकेशन आ गया, मार्क वहां के कारक है, यानी फाइटिंग कैरियर, संघर्ष क्षमता, फाइटिंग एबिलिटी, तो उस तरीके से वहां पर गुरु थोड़ा असहज फील करते हैं, तो उतने बढ़िया फील जो है कि रिजल्ट नहीं देते हैं। इस तरीके से हम जैमिनी के अंदर मान सकते हैं, इसमें जैमिनी साइन कहीं पर भी हो सकता है। अब नाइन्थ हाउस के अंदर है तो आप नॉलेज आपको पूरी रहेगी वहां की, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेटर बहुत अच्छे होंगे, लॉन्ग ट्रेवल्स के बारे में आप सब कुछ जानते होंगे। इस तरीके से टेंथ हाउस के अंदर है, वहां पर जैमिनी साइन आ गया, गुरु आ गए, तो आप ये देख सकते हैं कि टेंथ हाउस के अंदर, टेंथ हाउस आपका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस के अंदर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, और आपको जो कि वहां के बारे में जो कि अच्छे टीचर तो होंगे ही, जो मैंने पहले बोला आपको टेंथ हाउस के बारे में, और साथ ही साथ ये क्वालिटी जो है कम्युनिकेशन की भी जुड़ जाएगी। तो यानी आप किसी को सिखा रहे हैं तो हाथ से प्रैक्टिकली नहीं सिखा रहे हैं, आप थ्रोली उनको बता रहे हैं, अपने मतलब कि भाषण दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, अगले ग्रहण कर रहे हैं, क्लासेस इसको बोलते हैं, क्लासेस ले रहे हैं प्रैक्टिकल हाथ से करके, नहीं दिखा रहे ना करने हैं। तो इस तरीके से जुपिटर को आप वहां पर ले सकते हैं। अब जुपिटर सेवंथ हाउस जो कि सेवंथ हाउस लिब्रा टाइम के अंदर हो या सेवंथ हाउस के अंदर, तो बोला जाता है कि मेरी रिलेशनशिप तो जो है वो आउटर वर्ड, जो कि सेवंथ हाउस हमारा अपोजिट वर्ड है, जहां पर जैसे लगन है, लगन से अपोजिट सेवंथ हाउस है,
कि दुनिया हमें किस प्रकार से देखती है, वो वाला भाव है, वो हमारे जो है कि स्पाउस का भाव है यानी कि जीवन साथी का भाव है, वो बहुत ज्ञानी होंगे जीवन साथी जो हमारे हैं, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जीवन साथी। लेकिन वो मासिस का भी है वहां पर, तो मासिस है, तो यहां पर देखा गया गुरु जो सेवंथ हाउस के अंदर होते ना, थोड़ा सा सामाजिक परोपकारी सामाजिक व्यक्ति ज्यादा होता है, वो इंसान समाज के अंदर ज्यादा उठ बैठ होती है या उनकी पूछ होती है बोल सकते हैं, कि उनको लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत चाहते हैं, वो मतलब कि नेता हो सकते हैं या समाज में अच्छे जो पोस्ट पे हो सकते हैं, या मतलब लोगों के सुनने वाले हो सकते हैं, या सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जो मासिस का स्थान है और ग्रोथ का कारक है गुरु, तो ज्यादा जैसे टाइम बढ़ेगा तो उनको सामाजिक दायरा बढ़ता चला जाएगा, वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाएंगे, अपने जीवन साथी को टाइम नहीं दे पाएंगे, इस वजह से सेवंथ हाउस के अंदर कर्म पीठ खराब हुआ, कि वो अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि उनका फ्रेंड सर्कल बहुत, फ्रेंड सर्कल नहीं, वो कहूंगा सामाजिक दायरा जो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सेवंथ हाउस या लिब्रा के अंदर जब जुपिटर होता है तो उनका रिजल्ट इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी आप ना जुपिटर के आपका जो है, क्योंकि कारक तत्व दो चीजें याद रखी है, जुपिटर जो है कि ग्रोथ का कारक है, ग्रो करता है रखते हैं वहां पर उस हाउस के अंदर, और जो है कि जुपिटर ज्ञानवान है, नॉलेज है, विजडम है, इन चीजों का ध्यान रखें। अब इसी तरीके से मान लीजिए टॉरस के अंदर किसी का जुपिटर है, टॉरस साइन कौन सा, हमारे जो हमारा नेचुरल जोडियाक्स है, इसका सेकंड हाउस जो है टॉरस साइन बनता है, तो टॉरस आपके जीवन पत्री में कहीं पर भी हो सकता है अगर उसके अंदर आपका जुपिटर है, तो बहुत अच्छी नॉलेज है उनको फाइनेंस सेविंग्स, यानी कि अपना पैसा बचाने की, उनकी सेविंग्स को हैंडल करने की, और फैमिली का भी है वो, कुटुंब का भी है, हमारी स्पीच का भी है, भाषण देना बहुत अच्छा, क्या कह सकते हैं, मीठी वाणी में भाषण संदेश देना, वो अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना किस प्रकार से कैसे क्या करना है, वो जो है कि उनको इसीलिए शायद जुपिटर जो है कारक है फाइनेंस के। और जैसे सेकंड हाउस में अगर हैं या सेकंड नंबर के अंदर टॉरस के अंदर हैं, तो वो मतलब कि फाइनेंस के अंदर आपको ले जा सकते हैं जुपिटर, वहां पर हम ये देख सकते हैं, खासकर अगर वो छठे भाव के अंदर आ जाएं सर्विस के या टेंथ हाउस के अंदर आ जाएं, तो क्या होगा, सिक्स्थ हाउस हमारे डेली रूटीन वर्क सर्विसेज, टॉरस टाइम हमारे सेकेंड हाउस फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, सर्विस साथ में फाइनेंस, कारक कौन है वहां का फाइनेंस का, जुपिटर। तो सर्विस प्लेस पे जुपिटर टॉरस, यू में बी बैंकिंग सेक्टर इन फाइनेंस, तो आप वहां पर कार्य करते हुए हो सकते हैं, तकरीबन देखा है इस चीज का। टेंथ हाउस में हो तब भी यही बात है, टेंथ हाउस आपका प्रोफेशन का है, वहां पर टॉरस साइन है, यानी कि आपका वेल्थ, आपके रिसोर्सेस, टेंथ हाउस कर्म स्थान, जुपिटर कारक ऑफ वेल्थ, धन का कारक। तो इस तरीके से आप किसी भी साइन, किसी भी ग्रह को एक मर्ज कर दें, उसका रिजल्ट अगर आपको इस तरीके से मिलेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो विश्लेषण है ये आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे सीखना चाहते हैं ज्योतिष, या अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, या कोई भी क्वेरीज है उनकी, तो मेरा नंबर है 8810223629 88 10 22 36 29। तो आज्ञा चाहता हूँ, धन्यवाद।